नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड से संबंधित। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानियां है तो आप उस पर किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं और उसका समाधान भी आपको 24 घंटे के अंदर में मिलेंगे। तो चलिए सारा प्रोसेस देखते हैं इस वीडियो में। एक डाउट आपको क्लियर यहाँ पे करना चाहता हूँ, अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छा है, ये वीडियो झारखंड वासियों के लिए ही है। अगर आप दूसरे स्टेट या दूसरे राज्य से हैं तो आप हमें कॉमेंट करके बताइए, अगला वीडियो हम लाने का कोशिश करेंगे, उस राज्य का वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आपको सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम ब्राउजर पे। जैसे ही आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाते हैं आपको यहाँ पे सर्च करना है yahar.jharkhand। जैसे ही yahar.jharkhand इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट यहाँ पे इस ऑप्शन पे आपको ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। तो चलिए जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करते हैं yahar.jharkhand.gov.in के वेबसाइट पे आपको यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। और पहुँचाने के बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल करके आएंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन सेवा का जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके सामने, उस पर आपको टच कर लेना है। जैसे ही टच करते हैं आपके सामने एक पॉपअप खुलकर सामने आ जाता है। पहला ऑप्शन ऑनलाइन प्रक्रिया, दूसरा ऑप्शन बुक ये स्लॉट, ऑनलाइन आवेदन स्थिति, और उसके बाद शिकायत दर्ज करें का ऑप्शन पे आपको क्लिक करने लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन शिकायत करें का ऑप्शन पे अगर आपको ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए नंबर से कंप्लेन करना है तो यहाँ पे नंबर तीन नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप तीनों में से कोई एक नंबर को चूज करेंगे, उसके बाद वहाँ पे आप जा करके कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको नेक्स्ट पेज में रिडायरेक्ट करेंगे। और जैसे ही नेक्स्ट पेज यहाँ पे आपके सामने आएंगे, कुछ इस तरह का पेज आपके सामने दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे कंप्लेन करना है, कुछ इस तरह का पेज यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ये पेज हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही दिखाई दे रहे हैं अगर आप यहाँ पे हिंदी में जानना चाहते हैं, इस पोर्टल को हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी पे क्लिक कीजिए। अगर इंग्लिश पे अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर दिया। अगर आप हिंदी पे चाहें तो हिंदी पे क्लिक करके आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने इंग्लिश पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने टच किया। जैसे ही तीन बार वाले कॉलम पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे पहला ऑप्शन न्यू कंप्लेन आप पे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ट्रैक और कंप्लेन, ठीक है, सजेशंस आप सजेशंस भी दे सकते हैं अगर कोई गलती हो रही है, अगर खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा, तो यहाँ पे आप सजेशन भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे न्यू कंप्लेन पे हमें यहाँ पे कंप्लेन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्लेन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने फिर से एक पेज ओपन होंगे जो कि सारे नियम और प्रोसेस हमारे सामने आएंगे। देखिए कुछ इस तरह का प्रोसेस हमारे सामने आ चुके हैं। शिकायत दर्ज करें, ऐसे विषय या बिंदुओं की सूची जिन्हें शिकायत नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे सारा प्रोसेस आप देख लेंगे। और उसके बाद मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने उपरोक्त नियम और शर्तों को पढ़ लिया और मैं उनसे सहमत हूँ, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना, सारा कुछ आप पढ़ लेना है और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर डालना, इसके बाद OTP जाएगा उसे वेरीफाई करना है, दूसरा और तीसरा बात यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। फिल करने के बाद इसके बाद ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन से हो जाएंगे, आपका जो भी कंप्लेन है जो भी शिकायत है वो शिकायत दर्ज कर लिए जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद हम OTP को वेरीफाई कराते हैं और कराने के बाद फिर क्या प्रोसेस है आगे फिर देखते हैं। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। आप इतना तक अब वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को पूरा ही करके ही जाएंगे क्योंकि फुल नॉलेज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। जैसे ही हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला जैसे हमने यहाँ मोबाइल नंबर फिल किया और फिल करने के बाद जैसे हमने सबमिट किए हमारे सामने आ चुका है आपके पंजीकृत मोबाइल पर OTP भेजा गया है, कृपया अपना इनबॉक्स चेक करें। जैसे ही OTP हमारे सामने आते हैं फिर यहाँ पे हम OTP फिल करेंगे, फिर हम आगे प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए देखते हैं कब तक ओटीपी आता है और ओटीपी आ चुका है। ओटीपी यहाँ पे डालना है हमको 6287 और इसके बाद हमने यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किए फिर से हमें अगला प्रोसेस पर ले करके आ चुका है। और यहाँ पे देखिए हमारा नाम, जो भी हमारा नाम है यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी शो कर रहे हैं और यहाँ पे यूडीआई आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करते हैं। आप भी अपना आधार कार्ड यहाँ पे फिल कर लेंगे और फिर अगला प्रोसेस के लिए जाएंगे। अगर आप मेल हैं तो मेल पे क्लिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करेंगे, अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग पे यस पे क्लिक करेंगे, अगर दिव्यांग नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे सेलेक्ट आपको सब्जेक्ट करना है, कौन से विषय पर आपको कंप्लेन करना है। तो डीलर के विरुद्ध में बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे डीलर के विरुद्ध में शिकायत, बायोमेट्रिक मशीन, ई पॉस से संबंधित, धन अदपति से संबंधित, पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत, PHH ये वाई कार्ड बनाने एवं नाम जुड़वाने से संबंधित, सफ़ेद राशन कार्ड बनाने के संबंध में, राशन कार्ड की प्रविष्टियों में सुधार या सुधार के संबंध में। तो यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसके संबंध में आपको शिकायत दर्ज करना है, आप उसके संबंध में आप यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे डीलर के विरुद्ध में शिकायत करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पे If or select in none, one can see or details other than none team, मतलब जो भी आप यहाँ पे शिकायत दर्ज करना चाहते हैं वो टीम के द्वारा ही देखा जाएगा, उसके द्वारा कोई नहीं देख सकता है आपके कंप्लेन को। तो यहाँ पे हम कर देंगे टिक क्योंकि हमें किसी और को नहीं दिखाना है। तो चलिए जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है। तो चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे सारा कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। देखिए जो भी हमने हमें शिकायत करना है हम यहाँ पे फिल करेंगे, आप भी फिल कर लेंगे सारा डिटेल्स। तो चलिए हम यहाँ पे फिल करते हैं जल्दी जल्दी, इसके बाद फिर अगला प्रोसेस पे हम चलेंगे। हमने यहाँ पे अपना मैसेज टाइप कर लिया है, इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पे हमें किसको यहाँ पे हमें एक कंप्लेन भेजना है, OVD यहाँ पे बहुत सारे पदाधिकारी का यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया TSO रांची, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, मेरा डिस्ट्रिक्ट है गिरिडीह। इसके बाद ब्लॉक यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक गांडे, और यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कर लेना है। सारा कुछ इसी तरह से फिल करना है और यहाँ पे सपोर्टिंग इमेज ऑडियो, अगर आपके पास ऑडियो क्लिप है तो ऑडियो क्लिप भी यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आपके पास फ़ोटो वगैरह है तो फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मोर इन्फॉर्मेशन, अगर और कुछ यहाँ पे आपके बारे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पे फिल किया और यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे चेक मार्क किए, चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक किए हैं ये हमारा आवेदन सबमिट हो चुका है और ये प्रोसेस हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए सक्सेस और एक्नॉलेज नंबर इतना इतना हैज़ बीन लॉगेड सक्सेसफुल, ठीक है। ये हमारा देखिए ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, ये हमारा नंबर भी हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएंगे, और अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं, यूजफुल वीडियो लाते रहते हैं, राशन कार्ड से संबंधित, वोटर कार्ड से संबंधित, आधार कार्ड से संबंधित, इन सभी जितने भी समस्या होते हैं उन समस्याओं पे वीडियो हम लाने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा एक समस्या था जो हमें एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था, उसका उसके लिए हमने ये वीडियो बनाए हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।